सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। गाजियाबाद के लोनी के वार्ड नंबर 45 चमन विहार इलाके में जल निकासी के लिए नालियां नहीं बनी है, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी भर रहा है और इलाके के देवालयों में भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या को लेकर कई बार वार्ड के लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया, इसके बावजूद भी जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आते हैं इलेक्शन में वोट मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं बड़े प्यार से जाके। हमारे घरों में जो पानी भर रहा है, अब तबीयत हमारी खराब हो गई तो सरकार क्या कर रही है? बच्चे छोटे छोटे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। कौन सी कॉलोनी है ये? विजय विहार पहली गली है, ये जो नाले किनारे में ये गली नंबर 1 है और इसके ऊपर जो है टाइलें लगी हुई हैं, खड़ंजा बिछा हुआ है, पक्का है, नाली और रोड है ये मुख्य मार्ग। ये वार्ड नंबर कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 45 चमन विहार है। ये पानी इतना खड़ा हुआ है, जिस पर रास्ता है, रास्ते में पानी खड़ा हुआ है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो इसकी आपने कहीं शिकायत नहीं की? इस समस्या के हम विगत जो है 15 वर्षों से पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र हम लगातार दे रहे हैं। हमने इस संबंध में सैकड़ों प्रार्थना पत्र तो मेरे पास हैं। अरे समस्या है कि घर के अंदर पानी है, बाल बच्चे सारे पानी में खड़े हैं, टेबल पर बैठ कर गुजारा कर रहे हैं। इतनी पानी हो रहा है कि घर से निकलने के लिए लायक नहीं है। ये जो पानी आपके यहाँ भरा हुआ है, ये किस चीज़ का है? बरसात का या गंदे नाले का? बरसात का भी है और गंदे भी है, दोनों है। बरसात का ज़्यादा है अगर ना कि दोनों, क्यों बरसात चलते थे जिस चीज में पानी रोक रखा। कितने दिन से है ये पानी खड़ा? ये हमारे ज्यादा नहीं, 7 दिन। और इस खबर पे हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है और काफी नाराज भी नजर आ रहे स्थानीय लोग। पूरी जानकारी चाहेंगे, आखिर जब लोग वोट मांगने आ सकते स्थानीय लोगों से, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने क्यों नहीं आते, पूरे मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बहरहाल सवाल यही उठता है कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अंदर में खासतौर पे काफी पिछले समय से अब पानी को लेकर खासतौर पे समस्या जो है जल भराव की, जो स्थिति काफी समय से बनी हुई है। यहाँ के जो नगर पालिका चेयरमैन है रंजिता धामा, लगातार वोट तो मांगने जाती है घर घर, लेकिन कहीं ना कहीं वोट मांगने के बावजूद उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि गलियों में पानी भरना, उनके घरों में पानी भरना, खासा तौर पर परेशानी जब उठती है जब बच्चे बीमार होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना होता है, सुबह अपने स्कूल के निकलते हैं, लेकिन जब देखते हैं घर से बाहर निकलकर तो कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति देखकर वहां पर ये जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि गाजियाबाद के लोग कई बार इस चीज की समस्या का जो है समाधान करने के लिए लोगों ने शिकायत भी दी है और काफी अच्छे स्तर पे दी है, यहाँ तक कि आदिवासी अधिकारी तक भी शिकायत गई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं की है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहां पर इस तरह की परेशानी से अब उनको जूझने की एक आदत सी बन गई थी, लेकिन अब जो लोग हैं खासतौर पे खासा परेशान हैं और कहीं ना कहीं अब वो अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हैं वहां से, कहीं ना कहीं इनका घर भी जो है बेच के वो किसी और दूसरी जगह से, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और बात करें अगर वोट बैंक की, तो अभी कुछ समय बाद निकाय चुनाव आने वाले हैं। निकाय चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की अगर बात, जल जमाव की स्थिति जो अभी समय मानसून भी आ गया है, मानसून से पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी रहती थी, लेकिन अब मानसून के बाद कहीं ना कहीं अब कुछ ज्यादा ही गंभीर स्थितियां बननी उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि लोग अब खासा परेशान हो रहे हैं। बात कीजिए बच्चों की, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर जो रहने वाले निवासी हैं, वो लोग लगातार इस बीमारी, क्योंकि मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर के कारण काफी बीमारियां पैदा हो रही हैं बच्चों के लिए, तो काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। अगर लोगों की बात कहें तो लोग लगातार इसकी शिकायत लिखित में देते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि वो प्रशासन शासन तक भी ये चीज लेकर गए, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत उनकी नहीं सुनी जा रही है। जी प्रवीण, स्थानीय लोगों की कई समस्याएं, उन्होंने कई आरोप भी लगाए। अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो वो कई कदम उठा रही है, जहां मानसून से पहले ही सीएम ने आदेश दिए थे कि साफ सफाई का पुख्ता इंतजाम किया जाए, उसके बाद भी जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग पलायन करने को मजबूर है, इस पे आला अधिकारियों का क्या कहना है?
देखिए, इस पूरे मामले पे जब हम आला अधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं या उन्हें फोन करते हैं कि सर आपसे हमें वार्तालाप करना है इस समस्या को लेकर, या हमें आपसे बाइट चाहिए कि इस पूरी समस्या पर क्या है, आपने क्या समाधान अब तक किया है, क्योंकि लोगों की शिकायत लगातार उनको मिलती जा रही थी, उनके पास एक पुटारा भरा हुआ है शिकायत का, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिकायत जो है वो कहीं ना कहीं दबके रह गई है, वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं, लोग खासा परेशान भी दिख रहे हैं। तो हमने जब बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं लोगों जो आदिवासी अधिकारी है या वहाँ की जो चेयरमैन है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे टालमटोल करती नजर आई है। तो बात करें अगर जो वहाँ के लोग निवासी हैं, अगर उनका साफ तौर पे कहना, अगर हमारी समस्या का समाधान आने वाले कुछ समय में नहीं होता है तो इस बार जो चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं बहिष्कार करेंगे वहाँ उस जो चेयरमैन है वहाँ की या जो भी वहाँ से नेता है इस समय, जो उसका बहिष्कार होगा और उसको वोट नहीं दिया जाएगा हमारे द्वारा। या तो समस्या का समाधान हो या तो फिर वोट ले जाएं, सीधा कहना है वहाँ के लोगों का। प्रवीण, काफी लंबे समय से लोग इस गंदे पानी से जूझ रहे हैं और इसी में जीवन यापन करने को मजबूर है, बीमारियों का खतरा भी है, लेकिन अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो इस वक्त त्योहारों का समय भी है, जहाँ एक तरफ सावन का महीना है, लोग मंदिर जाते जलाभिषेक करते, दूसरी तरफ मुहर्रम भी है, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना और करना पड़ रहा है, कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, उनको गंदे पानी से होके स्कूल जाना पड़ता है, और कौन कौन सी समस्याएं जिससे परेशान है लोग? जी बिल्कुल, देखिए आप, सबसे बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नगर निगम खासतौर पे जिस तरह से अपनी एक ताल ठोकता है, अपने दावे को बोलता है कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जिस समय मानसून की बारिश पड़ती है और मूसलाधार बारिश पड़ती है उसके बाद उनकी पोल साफ तौर पे खुलकर नजर आ जाती है। हम जब नगर आयुक्त जो है यहाँ के महेंद्र सिंह तंवर, हमने उनसे भी बात की, उनकी भी बाइट हमने करी थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। जल जमाव की स्थिति, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, कुछ सेकंड की बारिश होती है, कुछ मिनटों की बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थितियां पैदा होनी चालू हो जाती है। अगर बात की जाए यहाँ के पॉश एरिया वैशाली की, या यहाँ के कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जरा सी बारिश, आज कुछ देर की बारिश भी हमने वो स्थिति भी देखी कि यहाँ पर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जल जमाव की स्थितियां बन जाती हैं। या छोटे मोटे इलाके जो हैं यहाँ के, जो बस्ती एरिया है या फिर जो एक तरीके से ग्राउंड जीरो की जो एरिया क्षेत्र है, वहां पर तो ऐसी स्थिति है कि वहां पर चलना पैदल चलने की बात तो बहुत बड़ी बात है, कि वहां पर कोई वाहन, बड़ा वाहन भी निकलना बहुत बड़ी दूभर हो जाता है, क्योंकि जल जमाव और साथ में वहाँ गड्ढा, क्योंकि पानी के अंदर ये नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कितना गहरा गड्ढा है और कौन सा वाहन किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही आगे वाहन बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही नगर निगम और अधिकारियों की साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अगर क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे भी हो गए हैं क्योंकि कई बार ये खबरें चलाने के बाद असर नहीं होता है, तो कई अधिकारी ढीठ भी हो गए हैं, ये भी कहना एक तरीके से जायज रहेगा, क्योंकि कई अधिकारी ढीठ हो गए हैं, अब वो सुनने को भी तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में सीएम योगी ने वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया और सेवायोजित प्रशिक्षण शरणार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया, और इस रोजगार मेले में लगभग 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। साथ ही रोजगार मेले में लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिला और लगभग 40 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा, तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए, बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। ठंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
और इस खबर में हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, आज 40 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जहां 10,000 युवाओं को रोजगार मिला है, तो लगातार रोजगार के लिए प्रयास करती हुई योगी सरकार नजर आ रही, किस तरह से देख रहे हैं और आज कितने युवाओं को रोजगार मिला है? आप बता दें कि आज सीएम योगी 11 बजे वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितने भी वहां पे आए हुए छात्र थे, जो जितने भी युवा थे, उनको जो है प्रशस्ति पत्र दिया है उनको नौकरी के लिए, क्योंकि सब जाहिर सुधार है कि बेरोजगारों को रोजगार की बड़ी समस्या होती थी। और सीएम योगी का ये पहल है कि इसमें जो है जितनी मल्टीनेशनल या जितनी देश की बड़ी कंपनियां हैं वो आए और वो उसमें सम्मिलित हो, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम का आयोजन जो हुआ था उसमें शरीक हुए हैं, उसको उन्हें संबोधित भी किया है। और जाहिर सी बात है इसमें 10,000 युवाओं को आज रोजगार मिला है, कई कंपनियां 40 कंपनियां लगभग इसमें आई हुई थी और इसके अलावा भी कई कंपनियां आई हुई थी जो बीडा या अन्य कहीं पे लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे 10,000 छात्रों को सीधे सीधे युवाओं को जो है रोजगार हो रहा है। इसमें मदन मोहन मालवीय से पॉलिटेक्निक किए हुए या फिर IIT किए हुए, ITI किए हुए जितने भी छात्र थे उनको जो है पूरी तरह से रोजगार दिया गया है। रोजगार के ऊपर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पॉलिसी है, इससे गोरखपुर के युवाओं को या आसपास पूर्वांचल की बात करें वहाँ के युवाओं को जाहिर सी बात है काफी हद तक जो है नौकरियां मिलेंगी, जिससे जो रोजगार की समस्या थी उससे काबू पाया सकता है। जी हिमांशु, 40 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, कौन कौन सी वो बड़ी कंपनियां थी उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे? आपको बता दें गैलेंट से लेकर के वीवो तक यहाँ पे आई हुई थी और सबने जो है यहाँ पे इंटरव्यू लिया है बच्चों का, और उनको जो है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में ही इनका जो होता है चयन हो जाता है, तो ऐसे में सब कुछ कम्प्लीट था। सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना था और सारी जितनी बड़ी कंपनियां थी आई हुई थी और इसमें जो है पूरी तरह से रोजगार का मार्ग खुला है और इससे सुपरियम जो है उसको एकदम पूरी तरह से रास्ता मिल गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी होने के बावजूद जो है यहाँ पे अन्य जितने भी पैकेज होते थे वो अच्छे पैकेज से नहीं आ पाते थे, तो उससे जो है रोजगार के लिए जो युवा होते थे यहाँ से शिक्षा प्राप्त होते थे वो बाहर जाते थे, कि जितने भी बीटेक होल्डर हैं वो बाहर जाकर के नौकरी के लिए संघर्ष करते थे, तो ऐसे में ये समस्या जो है काफी हद तक दूर हुई है। और यहाँ से MMM की सरकारी संस्था है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से जो है नौकरी का एक आशार खुल चुका है और युवाओं को इससे जो है पूरी तरह से नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा, और इसमें जो है योगी आदित्यनाथ को पहुंच जाना, उपस्थित हो जाना, तो कंपनियों के लिए भी मनोबल की बढ़ा हुआ है और यहाँ पे बीडा में भी इसीलिए कंपनियां स्थापित हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर बुधवार सुबह इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। झांसी, लखनऊ समेत कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची और दस्तावेज खंगाल ले जा रहे हैं। घनाराम कंस्ट्रक्शन समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर यादव और उनके भाई बिसन सिंह की है। झांसी में घनाराम कंस्ट्रक्शन का कॉरपोरेट दफ्तर है। झांसी के सिविल लाइन स्थित दफ्तर और आवास पर इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। इससे पहले सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव विजिलेंस की जांच के बाद अब श्याम सुंदर पर शिकंजा कसा गया है। इस खबर में हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सागर, सपा के नेताओं पे लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और लगातार छापेमारी भी चल रही है, IT की छापेमारी चल रही है, तो लगातार छापेमारी की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं इससे क्या संदेश मिल रहा है? और विपक्ष के नेता भी लगातार आरोप लगाते हैं सरकार पे कि जो ये बड़ी संस्थाएं इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ने लगातार यहाँ पे झांसी से लेकर कानपुर, नोएडा, दिल्ली और लखनऊ में तमाम बड़ी छापेमारी की है। और ये आपको बता दूं कि ये श्याम सुंदर यादव, ये श्याम सिंह यादव वही हैं जिन्होंने बुंदेलखंड डैम बनाया था और इनकी कंपनी चर्चा में आई थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इससे पहले भी सपा के एक बहुत ही करीबी नेता, नहीं कहूंगा उनको व्यापारी कहूंगा, पीयूष जैन, जो की इत्र कारोबारी थे, जिन्हें पूरा भारत जानता है, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उनका नाम भी चर्चाओं में आया था। करीबन 250 करोड़ से अधिक
संपत्ति उनके पास मिली थी, वो एक मामूली तौर पर वो घूमता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें सपा नेताओं पर तो लगातार गाज गिर रही है। बात इसमें कहूंगा विपक्ष की तरफ से, तो विपक्ष की तरफ से भी शिकायतें लगातार, भी विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जो आईटी है, ईडी है, तमाम जो जो खुफिया एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अपना काम बखूबी करके कर रही है। और हालांकि जिन कार्यकालों में नेताओं ने या जो भी बड़े लोगों ने जो घोटाले किए थे उनका खुलासा अब लगातार ये जांच एजेंसियां कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी फांस ये साबित हो रहा है। जी सागर, क्या अपडेट है? आईटी की जो टीम है वो पेपर खंगाल रही है, दस्तावेज खंगाल रही है, तो अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है, कोई अपडेट? जी देखिए, झांसी में लगभग 8 ठिकाने हो गए, कानपुर में 6 ठिकाने हो गए लगभग, और लखनऊ में आपको बता दो, राजधानी लखनऊ में 2 ठिकानों पर आईटी की टीम लगातार सुबह 5 बजे से छापेमारी कर रही है, और इस छापेमारी पर अभी तक किसी भी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं की गई है। छापेमारी बहुत ही तरीके से की जा रही है, बहुत ही मान के चलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भी बुंदेलखंड में डैम बना उसमें घोटाले की खबर सामने आ रही थी और इस आयकर रिटर्न को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी, तो आज की विभाग ने सबसे अच्छी बात ये सबसे बेहतर समय चुना कि सुबह 5 बजे छापेमारी की, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आईटी की टीम जो है लगातार कागज को खंगाल रही है, और बसेरा एक बिल्डर्स हैं झांसी में, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनकी भी कंपनियों पे, उनकी भी ऑफिस पे लगातार छापेमारी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है, देखने वाली बात ये होती है कि अब छापेमारी के जो अंत है, ये छापेमारी कब तक चलती है और इस छापेमारी में क्या क्या सामने निकल कर आता है, किन किन घोटालों का खुलासा होता है, किन किन घोटालों में जो भी ये श्याम सिंह यादव को लेकर इसके जो भाई हैं जितेंद्र सिंह यादव, इनकी बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है रियल एस्टेट की और कंस्ट्रक्शन की, तो क्या कुछ सामने आता है, ये बहुत ही जल्द आईटी खुलासा करने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़े थे लखनऊ से। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर सीएम योगी की पाती पहुंचेगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र हर घर पहुंचेगा। पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के आम जनमानस को संदेश देंगे। योगी सरकार के वृहद अभियान योगी की पाती की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। बता दें प्रदेश के 3 करोड़ घरों में सीएम योगी की पाती यानी पत्र पहुंचेगा। और इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम के पाती यानी कि पत्र पहुंचेगा हर घर में और उनको संदेश दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इस उद्देश्य को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस बार पूरा देश तिरंगामय होने वाला है और अब सीएम योगी भी संदेश पत्र भेज रहे हैं हर घर को। स्वतंत्रता दिवस है उसे 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक जो 75 अमृत महोत्सव उसको खास बनाने को लेकर विशेष तैयारी की गई है, जिसमें आपको बताएं कि योगी की पाती नाम से उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को एक संदेश जाएगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री के तौर से प्रेषक के तौर पर ये पत्र होगा। इसमें आपको बताएं कि आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए तैयार किया गया है और ये पत्र 3 करोड़ लोगों को जाएगा, और खास तौर से जो लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ऊपर झंडे लगाए जाएं, तो इसी क्रम में तमाम तैयारियां की जा रही है। अब योगी का पाती नाम से एक पत्र भी लोगों को भेजे जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि मिली जानकारी के अनुसार ये जो 3 करोड़ लोग होंगे इनको पत्र के माध्यम से साथ ही साथ तिरंगा लगाने की बात कही जाएगी। और वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर 13 से 15 अगस्त तक लगभग 20 करोड़ झंडे लगाने की बात भी कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि झंडा का जो संहिता है, भारतीय झंडा संहिता के अनुसार 2002 के अनुसार राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम के तहत 1971 के नियमों में बदलाव करते हुए और झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है उसको इस बार देखें तो हर एक घर पे झंडा फहरा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि सूर्योदय किससे और सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिखा कि जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बार का जो आजादी का अमृत महोत्सव है यानी कि 75वीं
वर्षगांठ है, इसको मनाने के लिए लोग उत्सुक हैं। अब 13 से और 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में कितने झंडे लगते हैं जी? विभांशु, सीएम योगी संदेश जो सबको भेजेंगे, तो क्या इस संदेश में वो बातें भी लिखी होंगी कि किस तरह से सम्मान करना है तिरंगे का, क्योंकि एक हफ्ते तक हर घर में तिरंगा तो फहराया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन तिरंगों का क्या करना है, किस तरीके से तिरंगा फहराना है, किस दिशा में होना चाहिए, क्या ये समस्त बातें उस पत्र में लिखी होंगी? जी, आपको बताया कि इसमें लिखा ये होगा कि जहां तक जानकारी मिली है कि 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पे बधाई होगी, साथ ही साथ तिरंगा लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों को भी संदेश दिया जा रहा है कि आप झंडा लगाओ, इस आजादी के जो 75वीं अमृत महोत्सव है उसमें भागीदार बने। वहीं आपको बता रहे कि जो झंडा अधिनियम में बदलाव किया गया 2002 में, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो सिलाई मशीन से झंडे बने होते हैं उसको फहराते हैं, मगर इस बार पोलिस्टम से भी बने झंडों को भी फहराया जा सकेगा। इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जहां झंडा फहराने की बात होती है तो उसमें सिलाई मशीन से बनाए गए झंडे को हम फहरा सकते हैं, मगर इस बार जो बदलाव करते हुए उसमें पॉलिस्टर झंडे को भी इस बार अनुमति दी गई है कि आप पॉलिस्टर झंडे को भी फहरा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि झंडे का अपमान न हो, जैसे आप आम तौर से देखते हैं कि जब राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस या अगर देखें तो रिपब्लिक डे पड़ता है, संविधान दिवस, तो उस दिनों पे झंडे को कहीं ना कहीं सुबह स्कूली बच्चे लेकर निकलते हैं और शाम तक झंडा कहीं ना कहीं सड़कों पे देखने को मिलता है। तो इसको भी लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आग्रह है कि आप झंडे का पूरा सम्मान करें और साथ ही साथ बच्चों को भी झंडे के बारे में बताएं और झंडे के सम्मान के बारे में बताएं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 से अब 15 अगस्त के बीच जो उत्तर प्रदेश का 20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है वो किस तरह से पूरा होता है, और साथ ही साथ ये भी आग्रह किया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से झंडा फहराएं। तो जहां पे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो देश की आजादी की लड़ाई में लड़े हैं, इन लोगों से भी चिन्हित करें और इनके द्वारा जो 75वीं वर्षगांठ है उसको मनाने का काम किया जाए। जय श्री राम जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।